बात करते हैं कुमकुम भाग्य के भाग्य की। ऐसी कौन सी क्रीम लगाते हैं अभी और प्रज्ञा कि उनकी त्वचा से उनके किरदारों की उम्र का पता ही नहीं लगता। तो चलते हैं उनके सेट पर और दिखाते हैं आपको वहाँ की गुड न्यूज। अभी प्रज्ञा की बेटियों के घर त्योहार की धूम। शगुन में हुआ अपशगुन। प्राची पर लगे इल्जाम। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। पर जन्माष्टमी का त्योहार तो चला गया, लेकिन ये सीरियल्स की दुनिया है। यहाँ तो जब चाहे त्योहार मन सकता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है सीरियल कुमकुम भाग्य में। वैसे इस त्योहार के लिए देखे तो जरा कैसे प्राची, उसकी सासू माँ और सभी घर वाले सजे धजे हैं। और आज तो हमारी प्राची इस भारी भरकम गहनों और इस लहंगे में गजब की खूबसूरत लग रही है। तो गुड न्यूज ये है कि घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है। त्योहार की खुशियों में ट्विस्ट तब आ जाता है जब शुरू होता है पल्लवी का ड्रामा। असल में कान्हा के प्रसाद में लहसुन पड़ जाता है। वैसे आपको बता दें कि प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी पल्लवी ने अपनी बहुरानी प्राची को दी थी, और इसी वजह से इसका सारा इल्जाम प्राची पर ही आ जाता है। मैंने अपनी बहू से कहा है कि आरती की पूजा की सारी तैयारियाँ आपको सौंप रही हूँ मैं, और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अब प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी भी उसे सौंपी गई है, और उसे स्पेसिफिकली कहा गया है कि प्रसाद में प्याज और लहसुन नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा क्राइम रिकॉर्ड प्राची का रहा है मम्मी के साथ, जैसी रैपो रही है मम्मी के साथ, आपको लगता है कि इतना आसान रहेगा? मुझे नहीं लगता, ना मम्मी को लगता है। कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में कोहली खानदान में आसानी से होती नहीं है। सब चीज़ में उतार चढ़ाव तो ऐसे होते हैं जैसे रोलर कोस्टर राइड हो। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। वो देखने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य। एग्जैक्टली। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रसाद में प्याज लहसुन जा ही नहीं सकता, और प्राची की वजह से या किसी और की वजह से गड़बड़ हो जाती है और प्रसाद में पंजीरी में लहसुन चला जाता है। व्हाट, पंजीरी में लहसुन? यस, लहसुन। तो जाहिर सी बात है जब पल्लवी को पता चलेगा तो शी विल लूज हर कूल और अपना सारा गुस्सा प्राची पर निकालेगी, जैसे कि वो निकालती आई हैं। वैसे मुझे नहीं लगता पल्लवी को रीज़न, मम्मी को रीज़न चाहिए, बट ये रीज़न तो एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो देखते रहिए कि मम्मी कितना सारा गुस्सा कितनी छोटी सी प्राची पर निकालती हैं। टू वॉच दैट स्टे ट्यून्ड। भाई बेचारी प्राची तो निर्दोष है, और लगता है कि इस बार भी रिया ने ही अपनी बहन प्राची को फंसाया है। लेकिन डोंट वरी प्राची, कान्हा जी है ना, वो कर देंगे ऑल इज वेल। मुंबई से निधि चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।